बहुत से लोग ईरान के रास्ते बाय रोड तुर्की जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, और ऐसी क्यूरीज हमें रोज़ ही मौसूल होती हैं कि क्या हम बाय रोड ईरान एंटर हो सकते हैं। और मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि अब ऐसा पॉसिबल है कि आप ईरान जा सकते हैं, क्योंकि ईरान एम्बेसी ने काफ़ी रोज़ कबल जो है वो बिज़नेस वीज़ा देना स्टार्ट कर दिया था। मेरे गुज़िश्ता रोज़ एक क्लाइंट का वीज़ा लगा तुर्की का, और तुर्की का वीज़ा लेने के बाद उन्होंने एक ही दिन में एम्बेसी अपेयर होकर बिज़नेस वीज़ा जो है वो ईरान का हासिल कर लिया था। सो कल वो मेरे पास आ रहे हैं, हम उनकी वीडियो भी बना रहे हैं। और जो जो लोग इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि वो ईरान का वीज़ा हासिल करें, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ईरान का फ़िलहाल ज़ियारती वीज़ा आपको नहीं मिल सकता, ईरान का आपको बिज़नेस वीज़ा मिलेगा, और उस वीज़े पे आप ईरान ट्रैवल कर सकते हैं। जो लोग इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि वो बाय प्लेन नहीं जाना चाहते, वो एक ही रूट पे ट्रैवल करना चाहते हैं बाय रोड, फॉर एग्जांपल जिनके पास तुर्की का वीज़ा है वो तुर्की बाय रोड जाना चाहते हैं, उनके पास अब ये मौका है कि ईरान का बिज़नेस वीज़ा लेकर, तुर्की का टूरिस्ट वीज़ा लेकर वो बाय रोड जो है वो तुर्की एंटर हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, और बिज़नेस वीज़ा आपको एक दिन में मिल जाएगा, वो अपेयर होना पड़ेगा आपको। फिर भी ड्रॉप बॉक्स के थ्रू भी आप ईरान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप में से कोई ऐसे लोग है जो ईरान का वीज़ा हमसे बिज़नेस वीज़ा लगवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया गया है, इस वीडियो में भी मेरा नंबर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और काइंडली कोशिश करें कि ऑफिस टाइम पर हमें कॉन्टैक्ट करें, जो जो भी हजरात ईरान जाना चाहते हैं बिज़नेस वीज़ा पर। इसके अलावा तुर्की या बिज़नेस ईरान के वीज़ा से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो, ऑफिस टाइम पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक मुमकिन हो सके हम आपको प्रॉपर वैलिड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। और जो कल हमारी एक नई वीडियो अपलोड होगी, मेरे पास एक और क्लाइंट आ रहे हैं तुर्की का जिनका वीज़ा लगा है, उनको मैंने वेलकम किया कि वो आएँ और वो बताएं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्होंने तुर्की का वीज़ा किस तरह से हासिल किया। इसलिए ज़रूरी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि तमाम तर वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। और कल आपको वो बताएंगे कि उन्होंने तुर्की का वीज़ा किस तरह से अपना और अपनी फैमिली का हासिल किया। नई वीडियो के सामने आप साथ दोबारा हाजिर होंगे, आपके सामने सब के लिए खुदा हाफिज़।